नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दतिया कोतवाली टीआई रत्नेश यादव ने पीड़िता के आवेदन पर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर पर 376 का मामला दर्ज किया है। महिला पीड़िता ने डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर पर मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला खंडवा गोविंद नगर कॉलोनी की रहने वाली है। हाल निवास पुराना हॉस्पिटल बसई जिला दतिया ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती आवेदन देकर मामला पंजीकृत कराया। मेरी शादी 27 जून 2010 को विवेक जाजू नाम के अमरावती में हुई थी और अमरावती में मेरी शादी के बाद मेरे पति के यहाँ मैं 20 दिन रही। पति से विवाद हुआ और मतलब उसके पारिवारिक कारणों से मैं मेरे शादी विच्छेद हो गई और फिर कानूनी कार्रवाई मतलब कोर्ट प्रोसेस चली। मेरी तलाक प्रोसेस चल रही थी दिसंबर माह से और उसी सितंबर 2010 से मैं डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर के क्लिनिक पे काम कर रही थी और जनवरी माह में उनने मेरे साथ नशे की दवाई खिला के मेरे साथ गलत किया और कुछ फ़ोटोज़ निकाले। उसके बाद उसके द्वारा मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर आप मतलब पुलिस के पास जाओगी तो मैं ये सब फ़ोटो के द्वारा आपको मतलब आपको केस में आप वहाँ पर बदनाम कर दूंगा, बदनाम करूँगा तो आपके शादीशुदा लाइफ खराब होगी मतलब जो भी। तो हुआ ये कि उसके बाद मैं उनकी बातें मुझे मानना पड़ी। वो मेरे साथ लगातार बलात्कार करते रहे और उससे फिर मुझे एक बच्चा हुआ 9 साल का, मतलब मेरे बच्चे की उम्र अभी 9 साल है। और फिर मैं GNM करने चली गई थी उसी टाइमिंग में और GNM करके जब मैं मतलब आई तो फिर मैंने 2 साल खंडवा के केंद्रीय विद्यालय में काम किया। उसके बाद मार्च 2018 से मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं यहाँ दतिया आके रह रही थी। उन्हीं के द्वारा मैं आई थी यहाँ पे और तब से मैं कंटिन्यू रह रही थी। अभी तक मैं 30 सितंबर 2020 तक कंटिन्यू रही हूँ। तब तक ना तो उनकी मतलब मुझे जब उनको कोरोना हुआ 18 जुलाई को तब उनने अपनी पहली पत्नी को बताया फ़ोन करके, तब मुझे ये बात पता चली कि ये पहले से शादीशुदा है और इनकी एक पत्नी है, उससे उनका 8 साल का एक बच्चा है। और उसी के बाद से फिर वो 30 सितंबर 2020 तक तो मतलब मैं उनके घर में रही। एक मेरा सस्पेंड ट्रांसफ़र करवा दिया गया था बसई, तो 1 अक्टूबर को मैंने बसई ज्वाइन किया और उसके बाद 4 तारीख को मैं अल्टो कार में कुछ सामान लेके चली गई बसई डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर के यहाँ। उसी दिन उनके घर में उनकी पहली पत्नी पारुल भदौरिया और उसके घर के कुछ लोग मिलके करीबन 3 गाड़ियाँ आई थी, टोटल 13 लोग थे। 13 लोगों ने मिलके घर में तोड़फोड़ की, बहुत सारा सामान फेंका और मेरे डॉक्यूमेंट फाइल ज्वेलरी और बच्चे के जन्म के जो जितने भी सबूत थे सारी चीज़ें उनने चोरी करके अपने पास रख ली। डॉक्टर साहब की भी मतलब जो भी ज़रूरी कीमती कागज़ थे वो सारी चीज़ें रखी। इसके लिए मैं यहाँ थाने में आई थी दोनों ही रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन मेरी अभी एक रिपोर्ट लिखी गई है, दूसरी अभी नहीं लिखी है। इसमें जो है यहाँ एक दतिया में पदस्थ डॉक्टर सुरेश सिंह तोमर हैं जो यहाँ पर पदस्थ थे, इनके विरुद्ध एक महिला ने अपराध पंजीबद्ध कराया है धारा 376(2)(n) में IPC में। इनका कुछ ऐसा है कि ये एक महिला से खंडवा में मिले थे, जब ये खंडवा में इनका एक क्लिनिक था वहाँ पर, इनका क्लिनिक था वहाँ पर, GNM की वो नौकरी करती थी। वो महिला इनके संपर्क में आई तो शादी का आश्वासन देके इन्होंने उसे अपने साथ रखा और उसके साथ ये रही है। उससे ऐसे बच्चा भी है एक और अब वो इसका ना तो शादी ही की उसने और ना इनका भरण पोषण वो देख रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर FIR पंजीबद्ध की गई।